भविष्य की झलक किसे पसंद नहीं आती। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि भविष्य में हमारी दुनिया कैसी होगी और हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली ये कोई भी नहीं बता सकता है कि आज से 100 या 50 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी, क्योंकि जितनी तेजी से हमारी दुनिया पिछले 10 सालों में बदली है, उतने बदलाव तो पिछले 100 सालों में भी नहीं हुए हैं। इसी तेज गति से बढ़ती एडवांस टेक्नोलॉजी और कुछ वैज्ञानिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भविष्य में हमारी दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी होगी और हमें हर एक क्षेत्र में कितने बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं। बात करें पॉपुलेशन की तो अभी विश्व की कुल जनसंख्या 7.8 अरब है और इसमें सबसे बड़ा योगदान चाइना का है। लेकिन भारत में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए ये कहा जा रहा है कि साल 2030 तक भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। और बात करें इकोनॉमी की तो अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन साल 2050 तक आते आते भारत चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो साल 2050 तक दुनिया के सभी छोटे बड़े शहर स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट हो चुके होंगे और साल 2050 तक भारत में भी 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनने की उम्मीद है। और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बनने के बाद दुनिया भर में ऊंची इमारतें बनाने का कंपटीशन चल पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया भर में 10 से भी ज़्यादा ऐसी इमारतें बन चुकी होगी जिनकी हाइट 1000 मीटर से भी ज़्यादा होगी। और भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा स्पेस मिशन और भी तेज होने वाले हैं, क्योंकि हर देश अब अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने में जुटा हुआ है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने स्पेस साइंस में काफ़ी तरक्की की है और भविष्य में वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह खोजने के प्रयास भी काफ़ी तेज होने वाले हैं। और साल 2100 तक ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इंसान मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने लग जाएगा और तब इंसान हनीमून या फिर ट्रैवलिंग के लिए मंगल या फिर मून जैसे ग्रहों को अपना डेस्टिनेशन बनाएंगे। और स्पेस में ट्रैवल करने के लिए तो अभी से ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बना दिया गया है, जिस पर जाने के लिए टिकट्स की बुकिंग भी हो चुकी है। स्पेस साइंस में वैज्ञानिकों की इतनी तरक्की को देखते हुए ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भविष्य में इंसान जल्दी ही किसी एलियन प्लैनेट की भी खोज कर लेगा। बात करें ट्रांसपोर्टेशन की तो इस क्षेत्र में भी भविष्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव तो अभी से ही नोटिस किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को छोड़कर फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर जा रही है। लोग अब पेट्रोल और डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि साल 2040 तक पूरी दुनिया से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल पूरी तरह से विदा हो जाएंगे और सड़कों पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे एनवायरनमेंट को ही होने वाला है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल ही हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। और जब सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दौड़ेगी तो इसका एक बड़ा फ़ायदा उन देशों को भी होगा जो कि पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और भारत को भी इसका सीधा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत भी कच्चे तेल के लिए पूरी तरह से ईरान और सऊदी जैसे देशों पर डिपेंड है। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल साल 2050 तक पूरी तरह से ऑटोमेटिक भी होने वाले हैं। मर्सिडीज और टेस्ला जैसी नामी कंपनियों ने अभी से ही सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स पर काम करना शुरू कर दिया है। साल 2050 तक आते आते लगभग सभी व्हीकल्स के ऑटोमेटिक हो जाने की भी उम्मीद है, यानी कि भविष्य में आपको सभी गाड़ियाँ बिना ड्राइवर के चलती नज़र आएगी और ये सभी गाड़ियाँ आपस में इंटीग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम से कनेक्टेड होगी और इनमें कई ऐसे एडवांस सेंसर भी लगे होंगे जिस वजह से भविष्य में ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट जैसी समस्याएं तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इन सब के अलावा भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट जैसे कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट में आपको एक टनल के अंदर एक पैसेंजर कैप्सूल दौड़ता नजर आएगा। ये पैसेंजर कैप्सूल एक मैग्नेटिक पोर्ड पर दौड़ेगा और इसकी ट्रेवल स्पीड 1000 किलोमीटर पर आर से भी ज़्यादा होगी, जो कि एक पैसेंजर एरोप्लेन से भी ज़्यादा है। और साल 2030 में आपको मुंबई और पुणे के बीच में पहली हाइपरलूप ट्रेन चलती दिख जाएगी। इसके अलावा साल 2050 के बाद हमें ज़मीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी ट्रैफिक नज़र आएगा, क्योंकि फ्लाइंग व्हीकल के कॉन्सेप्ट पर भी कई कंपनियां तेज़ी से काम कर रही है। भविष्य में पर्सनल व्हीकल से हवाई यात्रा करना एक आम बात होगी और इसके लिए कई कंपनियों ने अभी से ही इन फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग व्हीकल्स के प्रोटोटाइप भी पेश कर दिए हैं।
ये फ्लाइंग व्हीकल्स सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते नजर आएंगे और इन्हें उड़ने के लिए किसी स्पेशल रनवे की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये व्हीकल खड़े खड़े या फिर दौड़कर दोनों ही तरह से हवा में उड़ान भर पाएंगे। इसके अलावा एक ड्रोन टैक्सी का कॉन्सेप्ट भी आपको भविष्य में जल्दी ही देखने को मिल सकता है। इस ड्रोन टैक्सी की बुकिंग के कुछ मिनट्स के बाद ही ये आपको लेने के लिए आ जाएगी और थोड़ी दूर जाकर हवा में उड़ान भर लेगी और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। इसके साथ ही आपको भविष्य में ड्रोन बाइक्स भी देखने को मिलेगी। इस फ्यूचरिस्टिक ड्रोन बाइक में चारों तरफ प्रोपेलर लगे होंगे और इसे उड़ाना उतना ही आसान होगा जितना कि एक बाइक को चलाना आसान होता है। और भविष्य में ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम भी काफ़ी एडवांस होने वाला है। भविष्य में आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी किसी डिलीवरी मैन के जरिए नहीं बल्कि एक ड्रोन के जरिए की जाएगी। ये एडवांस ड्रोन जीपीएस की मदद से आपका प्रोडक्ट कुछ ही मिनट्स में आपके घर पहुंचा देगा। और अगर किसी हैवी प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी होगी तो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये व्हीकल भी जीपीएस की मदद से आपके घर तक पहुंचेगा और इसमें से प्रोडक्ट लेने के लिए आपको इसमें सीक्रेट ओटीपी एंटर करना होगा, जिसके बाद इसकी विंडो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगी और फिर आप अपना प्रोडक्ट इसमें से कलेक्ट कर पाएंगे। और बात करें मेडिकल साइंस की तो भविष्य में मेडिकल साइंस भी काफ़ी एडवांस होने वाला है। नई नई रिसर्चेज और एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत भविष्य में मेडिकल साइंस के पास लगभग हर एक बीमारी का सटीक इलाज होगा। भविष्य में साइंटिस्ट एक ऐसी नैनोचिप तैयार करने में सक्षम होंगे जो कि मनुष्य की सारी शारीरिक परेशानियों को एक सेकंड में दूर कर देगी। ये नैनोचिप ब्लड सेल के साथ मिलकर किसी भी बीमारी का इलाज कुछ ही सेकंड में कर पाएगी। देखा जाए तो मनुष्य की औसत आयु अभी सिर्फ 70 साल ही है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं के दम पर मेडिकल साइंस आने वाले कुछ ही दशकों बाद मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा कर पाएगा, यानी कि भविष्य में हर व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक उम्र जी पाएगा। भविष्य में स्मार्टफोन और अन्य टेक्निकल गैजेट्स की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इनके बिना तो जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। और भविष्य में वर्चुअल रियलिटी का लेवल और भी एडवांस होने वाला है। एडवांस वर्चुअल रियलिटी की मदद से इंसान किसी भी जगह वर्चुअली अवेलेबल हो सकेगा। भविष्य में इंसान घर बैठे हुए ही ऑफिस की मीटिंग से लेकर इवेंट्स तक को वर्चुअली अटेंड कर पाएगा। भविष्य के गैजेट्स में आपको होलोग्राफिक डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि आप डिस्प्ले को हवा में वर्चुअली महसूस कर पाएंगे और इसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। ये एक्सपीरियंस कितना शानदार होने वाला है इसका अंदाज़ा आप इसे देखकर ही लगा सकते हैं। और भविष्य में आपको कुछ ऐसे गैजेट्स भी मिलेंगे जिन्हें आपको अपने हाथ में ब्रेसलेट की तरह पहनना होगा और ये गैजेट आपके हाथ की स्किन पर ही एक डिस्प्ले प्रोजेक्ट कर देंगे जिसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। भविष्य में हमारी दुनिया पर रोबोट्स का कब्जा होगा, ऐसा कई अनुभवी वैज्ञानिक पहले ही कह चुके हैं। आने वाले समय में मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे स्मार्ट रोबोट तैयार करने में सक्षम होगा जिनकी इंसान की तरह ही सोचने, समझने और कार्य करने की क्षमता होगी। अभी ही कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स ने इंसानों को रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि एक अकेला रोबोट 100 व्यक्तियों का काम अकेला ही कर सकता है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। रोबोट्स की बढ़ती प्रोडक्टिविटी और इनकी एक्यूरेसी को देखते हुए अब वो समय दूर नहीं है जब रोबोट्स इंसानों को हर जगह से रिप्लेस कर देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट्स की मांग हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में घरों में झाड़ू पोछा से लेकर होटल में खाना परोसने तक का काम रोबोट्स ही करते नजर आएंगे। और घरों में आपको ऐसे रोबोट्स देखने को मिलेंगे जो कि आपकी फरमाइश पर आपके लिए कुछ ही मिनट्स में आपका फेवरेट फूड तैयार कर देंगे और खाना बनाने के बाद ये रोबोट्स किचन को भी क्लीन कर देंगे। और भविष्य में युद्ध के मैदान में आपको इंसानी सोल्जर की जगह रोबोट लड़ते हुए नजर आएंगे। इन रोबोट्स को युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए इंसानी सैनिकों की तरह ही खतरनाक ट्रेनिंग दी जाएगी। और भविष्य में इंसानी डॉक्टर की जगह आपको ऑपरेशन थिएटर में रोबोट्स ही देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबोट्स को इतना स्मार्ट बना चुके होंगे कि एजुकेशन और स्पेस साइंस जैसे क्षेत्रों से लेकर बड़े विमानों को पायलट करते हुए रोबोट्स ही नजर आएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि इंसान रोबोट्स को इतना सक्षम बना चुके होंगे कि इंसान इन्हें अपने लाइफ पार्टनर की तरह भी चूज कर सकेंगे। रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद एक अनुमान यह भी है कि भविष्य में हमें ट्रांस ह्यूमन देखने को मिले, यानी कि आधा मनुष्य और आधा रोबोट। इसमें मनुष्य अपने रियल या फिर खराब हो चुके बॉडी पार्ट्स को रोबोटिक बॉडी पार्ट्स से रिप्लेस कर देगा और इन रोबोटिक बॉडी पार्ट्स की कार्य करने की क्षमता इंसान के नेचुरल अंगों से भी ज़्यादा होगी। और ट्रांस ह्यूमन की एडवांस स्टेज में मनुष्य इंसानी दिमाग में एक ऐसी चिप को फिट करने में सक्षम होगा
जिसकी मदद से दिमाग का सारा डेटा एक हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकेगा। ऐसा करके उस इंसान की नॉलेज का इस्तेमाल उसके मरने के बाद भी किया जा सकेगा, या फिर इस नॉलेज को किसी और इंसान के दिमाग में लोड कर दिया जाएगा। और अगर ये सब सक्सेसफुल रहा तो भविष्य में इंसान को किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए कुछ सालों का समय नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स का ही समय लगेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस वीडियो में दिखाई गई चीज़ें क्या भविष्य में हमें देखने को मिलेगी? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।